सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो भाई आज हम एक बड़े ही सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप समझ में आ रहा है आपको कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखने के काम आती होगी, ठीक है। दो चीज़ें होती है, एक अपन का माइक्रोस्कोप होता है, एक टेलीस्कोप होता है। तो बहुत छोटी चीज़ों को जो देखने के काम आएगा वो माइक्रोस्कोप है, बड़ी चीज़ को देखने के काम जो आएगा टेलीस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप दो तरीके के होते हैं भाई, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात करें तो बहुत बेहद ही सिंपल है, ठीक है। जो आप लैब में यूज करते हैं इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। मैग्नीफाइंग लेंस है सिंपली ये। तो मैग्नीफाइंग लेंस मतलब एक सिंगल सा, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगा, बट जो क्लियरिटी है वो बहुत अच्छी नहीं होती इसमें। तो दैट्स व्हाई वी यूज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तुलना में ऑब्जेक्ट को 1000 गुना तक क्या कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है, ठीक है। तो पहले सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है ना, इट्स जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे ये इसकी फोकस है, मान लो यहाँ पे तुमने कोई ऑब्जेक्ट रखा फोकस के अंदर, क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस के अंदर होगा। बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट आप देखना चाह रहे हो, बहुत नज़दीक देखना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से क्या होगा, आप यहाँ से देखना शुरू किए तो एक रे सीधे ऐसे जाएगी, तुम्हें पता है ये कहाँ से पास होती है, इसकी फोकस से, और दूसरी रे इस तरीके से पास होगी। तो आपने इन दोनों को पीछे को अगर ऐसे एक्सटेंड किया, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आपको इमेज मिली। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए बी, तो यहाँ पे आपको इसकी इमेज मिलेगी ए डैस बी डैस इसकी। जस्ट अगर मैं इस लाइन को सीधे सीधे ऐसे ऐसे आगे को खींच दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए डबल डैस बी डबल डैस, ठीक है, ए डबल डैस बी डबल डैस। तो दो एंगल होते हैं बच्चों, एक तो जो ऑब्जेक्ट ने एंगल ड्रॉ किया आई पे, है ना, आँख पे, आई पे जो ऑब्जेक्ट ने एंगल ड्रॉ किया है, एक वो होता है, एक अल्फा है एक बीटा है। मतलब ये वाला एंगल जो है, ये देखो दो केसेस ध्यान रखने हैं आपको कि जब आप अल्फा और बीटा ड्रॉ करें, है ना, यहाँ पे अल्फा और बीटा ड्रॉ करें तो दोनों के केस में, है ना, ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है जहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है, इसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि ये नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट मतलब इस दूरी के बाद यहाँ से, मतलब वो डिस्टेंस जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज जो है, ऑब्जेक्ट आपको साफ साफ दिखाई दे। अगर आप ऑब्जेक्ट को बहुत नज़दीक देख ले आते हैं अपनी आँख के तो आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखाई देती है। तो ऑब्जेक्ट कम से कम आपकी आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए ताकि आप उसको बहुत क्लियरली देख पाओ। तो डी वो डिस्टेंस है, आँख से वो डिस्टेंस जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख पा रहे हैं वो डी है बच्चों। तो डी समझ में आ गया। तो यानी कि यार यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी है, तो हम ऑब्जेक्ट और इमेज को दोनों को डी पे मानते हुए आई पे जो एंगल बनता है वो हमारे एंगल्स लेने हैं यहाँ पे। तो इसने इमेज ने जो एंगल बनाया वो बीटा है, मान लो ये वाला एंगल, ये दिख रहा है जो आपको ये, और ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है, बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट शुड टेक एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, अल्फा हो गया। तो दो एंगल दिख रहे होंगे, छोटा दिख रहा होगा, छोटा अपन का अल्फा है, बड़ा वाला क्या है, बीटा है। इस बात को समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पे जो इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, तो मैग्नीफाइंग पावर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम होता क्या है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एंगल सबस्टेंडेड बाई इमेज ऑन वेन, है ना, दो चीज़ें ध्यान रखना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। इमेज एंगल जो सब्सटेंस करता है इमेज, ठीक है, व्हेन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विद द आई, आई के साथ जो एंगल सब्सटेंस किया है, ठीक है, एंगल सब्सटेंस बाय इमेज अपॉन एंगल सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये बहुत बार कन्फ्यूज करते हैं बच्चे कि हमें एंगल्स क्या लेने हैं। तो एंगल में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो डिस्टेंस लेनी है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे लेना है। एंगल सब्सटेंस बाय इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंगल सब्सटेंस बाय इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन एंगल सब्सटेंसेज बाय ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यानी कि आप इसको अल्फा अपॉन बीटा लिख सकते हैं या टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा आर वेरी स्मॉल। तो इस फिगर से
है ना। इस छोटे वाले फिगर से अगर आप देखें तो बीटा निकल जाएगा ये, है ना। इसको अगर ओ मानो तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन बीटा। इस छोटे वाले ट्राइंगल से देखो भाई, टेन बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, तो ए बी अपॉन ए ओ और अपॉन टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या है, ये वाला एंगल टेन अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा, ये है ना, कौन सा एंगल, ये वाला, जब ट्राइंगल मान रहे हैं दिस इज अल्फा, ये वाला ट्राइंगल। तो ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए डबल डैश ओ। अब देखो ए डबल डैश बी डबल डैश और ए बी बोथ आर इक्वल, कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये टर्म बचा ए डबल डैश ओ अपॉन ए ओ, ए डबल डैश ओ अपॉन ए ओ। ओके, तो ए डबल डैश ओ अपॉन ए ओ जब आप करेंगे, ए डबल डैश ओ अपॉन ए ओ करेंगे, तो ये दूरी आपको दिख रही है डी है, मान लो ये दूरी एक्स है या यू है, मान लो यू है ही ना, दोनों माइनस है, तो डी वाई कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्लियर है, डी वाई कितना आ गया, यू आ गया। अब आपको लेंस फॉर्मूला पता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन एफ होता है, ठीक है। वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो वन अपॉन माइनस डी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ इसकी फोकल लेंथ। तो अगर आप वन अपॉन यू की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, है ना, तो वन अपॉन यू की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो देखिए इसको यहाँ ले जाइए, वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन डी आ जाएगा। यहाँ पे रख दो इस फॉर्मूले में, वन अपॉन यू की वैल्यू को प्लेस कर दो, तो वन अपॉन यू की वैल्यू अगर आप प्लेस कर दोगे, समझ रहे हैं, जस्ट बहुत बेसिक सा आइडिया, देखो बहुत बेसिक सा एक आइडिया ले रहे हैं, सिंस यू भी इसी साइड है तो ये भी नेगेटिव रखना पड़ेगा आपको, तो ये पॉजिटिव मान लो ये एंगल, है ना, वन अपॉन यू, तो इट कम्स आउट टू बी वन प्लस डी बाई एफ, वन प्लस डी बाई एफ। तो ये क्या बन गया हमारा बच्चों, ये बन गया आपका सिंपली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो बहुत ही चूरन सा एग्जाम्पल है, बहुत ही चूरन सा एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, एंगल सब्सटेंसेज बाई इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, याद रखना, इसलिए ये एंगल दोनों यहाँ से लिए गए हैं, ये डी है ना, इसीलिए अल्फा और बीटा दोनों यहाँ से लिए गए हैं, अदर किसी पॉइंट से नहीं लिए गए हैं, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। ओके, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अब दूसरी कंडीशन आपसे पूछेगा, दूसरा केस, कि अगर मान लो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, ये तो तब के केस में है जब इमेज कहाँ पे बने, डी पे बने, ठीक है, इमेज कहाँ पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, एफ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे जब इमेज बनेगी तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा मैग्निफिकेशन का वो क्या हो जाएगा, सिंपली क्या आया था, डी वाई यू आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई एफ आ जाएगा, बिकॉज वन अपॉन यू यहाँ पे वन अपॉन एफ के बराबर है, वी इज इन्फिनिटी। बट ठीक है, हम कहाँ से लेते हैं एंगल, बीटा कहाँ से लेते हैं, एट द फ्रॉम द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो इसलिए डी बच रहा है, टेन बीटा इसलिए बच रहा है, टेन बीटा इक्वल टू, इसीलिए डी बाई जो भी आप डिस्टेंस मान रहे हैं, है ना, डी बाई समथिंग जो भी ए ओ डैश बी ओ डैश जो भी था वो नीचे सेम पहले की तरह ही ए डैश ओ वही रहेगा, क्योंकि आप एंगल कहाँ से लिया, ये फिर से यहाँ पे कन्फ्यूजन का पॉइंट आया कि इन्फिनिटी क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम एंगल वहाँ से लेते हैं जब डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आप जिसको मानते हो, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ बच्चा डिस्टिंक्ट विजन। तो प्लीज़ यार इसमें कन्फ्यूज जैसा मत होना, ठीक है, बहुत छोटा सा मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑल्सो, है ना। अब हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप कोई मतलब बहुत बड़ा सा वो नहीं है कि नहीं समझ में आया आपको, इजीली मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ और ध्यान भी नहीं रखना है। सिंपल माइक्रोस्कोप के दो पॉइंट बताए मैंने, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। ओके, वन इज योर नियरेस्ट पॉइंट और अदर क्या होता है, फार पॉइंट। अब बात करते हैं हम किस चीज़ के बारे में, जो नेक्स्ट थिंग है हमारी
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक जो है एक ही लेक्चर में हम दोनों दे देते हैं, और जो दूसरा टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप भी दो तरीके के होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, उनको डिस्कस अलग से करेंगे। तो भाई अगर बात आ रही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ओके बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात हो रही है, तो आपको कुछ बातों को यहाँ पे ख्याल रखते हुए आगे को चलना है कि व्हेन आई टॉक अबाउट, जब मैं बात करूँ किस चीज़ के बारे में, व्हेन आई टॉक अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब मैं आपके सामने कहूँ कि आई एम डिस्कसिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेस होंगे, एक ये, एक छोटा एक बड़ा। एक होता है ऑब्जेक्ट लेंस, इसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, इसको आई लेंस कहते हैं। आई के जो नज़दीक होता है वो आई लेंस, और ऑब्जेक्ट के जो नज़दीक होता है उसको ऑब्जेक्ट लेंस। इन दोनों के बीच की दूरी एल मान सकते हो, ठीक है। सिंपली अगेन यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ है एफ ओ, ये इसकी फोकल लेंथ है एफ ओ, ये इसकी फोकल लेंथ है एफ ई, आई लेंस की फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, इसके अंदर बनेगी इमेज, ये बात ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक। तो यहाँ पे इमेज बनने के करस्पॉन्डिंग यहाँ से जो रे आई वो थोड़ा सा बेंड होंगी आईज की ओर, ये इस तरीके से बेंड होंगी आईज की ओर, तो करस्पॉन्डिंगली ये यहाँ पे आई है आपकी, आईज यहाँ पे है, तो करस्पॉन्डिंगली आपको क्या दिखाई देगी, फाइनल इमेज ये यहाँ पे बनेगी, ये फोकल, इसकी फोकल लेंथ से बाहर इस इमेज बन रही होगी। यू कैन ड्रॉ दिस इमेज लाइक दैट, ओके। ये एच डैश है, ये फाइनल इमेज बन रही है, कहाँ पे बनेगी, एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जो इमेज बनती है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक रे यहाँ से सीधे भेज दो ये, तो ये जो एंगल बनता है ये, ठीक है, आई का पूरा व्यू है, ये फील्ड व्यू पूरा आई का है। तो यहाँ से जो सीधे आपने रे भेजी है, ये जो एंगल बनेगा दिस इज बीटा, अल्फा आप यहाँ पे नहीं शो करेंगे, अल्फा अलग से शो करेंगे। अल्फा के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है एच है, ये डी है, तो दिस एंगल इज अल्फा एच डी, ये डी मैंने कहा था ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही लेते हैं। तो कुछ बातें समझ में आ रही होगी, बस काम क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो हमने नया काम किया है, मतलब जो डिफरेंट किया वो ये किया कि एक आई लेंस ले लिया, एक ऑब्जेक्ट लेंस ले लिया। तो माइक्रोस्कोप में ध्यान रखिए देर आर टू लेंसेज, आई और ऑब्जेक्ट। अब आई लेंस छोटा क्यों होता है, क्योंकि इसका फील्ड व्यू बहुत छोटा है, हमें छोटी चीज़ देखनी है तो फील्ड व्यू छोटा भी होगा तो काम चल जाएगा। बड़े फील्ड व्यू से कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें बड़ा फील्ड व्यू चाहिए, हमारे पास अगर छोटा फील्ड व्यू भी है तो भाई तब भी हमारा काम क्या है यहाँ पे चल जाने वाला है, ठीक है। फील्ड व्यू छोटा हो या बड़ा हो हमें कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए इसकी मैग्निफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट एच थी, इमेज एच डैश बनी, तो या इसको एच डबल डैश कह दो, ये जो इमेज बनाई इसको एच डैश कह दो, ठीक, एक एच डबल डैश एक एच। तो अब आपको ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन एम बराबर क्या होता है, टेन ऑफ बीटा अपॉन टेन ऑफ अल्फा। तो टेन ऑफ बीटा की जो वैल्यू है, अगर आप टेन ऑफ बीटा लिखें तो एच डैश अपॉन जो भी डिस्टेंस है, एच डैश अपॉन डी लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ है ना, या यू ई लिख सकते हो। इसके लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, डिस्टेंस यू ई मान लो, और टेन ऑफ अल्फा जो है कहाँ गया, टेन ऑफ अल्फा यहाँ पे दिखा था आपको, तो एच अपॉन डी लिख सकते हो, उसको डिवाइड करेंगे तो एम बराबर क्या आ जाएगा, एच डैश अपॉन एच, और एक तो एच डैश अपॉन एच आ जाएगा, एक डी वाई यू ई आ जाएगा। एच डैश अपॉन एच मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस है। तो इसे जस्ट पहले देखो, डी वाई यू ई अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में डी वाई यू ई को 1 प्लस डी वाई एफ ई लिखा था, तो इसको एम ओ, एम ओ मतलब देखो मैग्निफिकेशन को, ऑब्जेक्टिव लेंस को वी अपॉन यू बी होता है मैग्निफिकेशन, और एम ई की जगह 1 प्लस डी वाई क्या लिख दीजिए, एफ ई लिख दीजिए, सेम। तो ये निकल गया मैग्निफिकेशन किसके लिए, कंपाउंड लेंस के लिए। तो होप सो कि तुम लोग को ये बहुत प्यार से समझ में आ रहा होगा, है ना। कहीं पे अगर डाउट हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट, कि भाई यहाँ पे क्यों डाउट हो रहा है आपको, ओके, क्यों यहाँ पे डाउट हो रहा है। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क
कि सर यहाँ पे हमको समस्या हो रही है, ओके। अगर अगर ये जो इमेज है इसके नज़दीक बने, मतलब जो एच डैश है आपकी, मान लीजिए वो यहाँ पे बन रही है, एफ ओ के नज़दीक बन रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको, इस पूरे टर्म को, है ना, एल अपॉन एफ ओ लिख सकते हैं, ओके। तो हम इसको मैग्निफिकेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस का एल अपॉन एफ ओ और वन प्लस डी वाई एफ ई। ये पर ये कंडीशनल केस है, है ना, ये जस्ट आप कंडीशनल केस मान रहे हो, ये एक्चुअल में केस है नहीं, है ना। एल अपॉन एफ ओ तब आप लिख रहे हो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जब हमारी यू ओ, यू ओ मतलब यू ओ किसके बराबर है, लगभग लगभग वो एल के इक्वल है, ठीक है, यू ओ इज इक्वल टू एल, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है यू ओ इक्वल टू, वेट ए मिनट, यू ओ एल के बराबर नहीं, वी ओ एल के बराबर हो, सॉरी वी ओ, इसकी यू ओ तो ये है ना, वी ओ जो है वो नियरली इक्वल टू एल हो, तो आप ये सिचुएशन यूज कर सकते हैं। फिर से समझिए, बहुत सिंपल सा है, देर इज नथिंग, इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, कभी भी टफ लगे तो बातें याद रख लेना, आप जस्ट एजम्पशंस मान रहे हो। अगेन अगर यही इमेज, ये रेज सीधे सीधे पैरेलल हो, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे हो इसकी फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी, तो जब इन्फिनिटी पे हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो सिंपली वी ओ अपॉन यू ओ या माइनस का एल अपॉन एफ ओ डी बाई एफ ई हो जाएगा, या वी ओ अपॉन यू डी बाई एफ ई, वी ओ अपॉन यू डी बाई एफ ई। तो बेटा ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, अपन ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, सारे फॉर्मूले आपको वन बाई वन ध्यान होने चाहिए। तो इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या काम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, कि इमेज को और अच्छे तरीके से ये मैग्नीफाई करके देता है। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप तो देता ही है इमेज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उससे भी बेहतरीन इमेज देता है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो होप सो यू अंडरस्टूड दिस। चलिए, और जब आप देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगा, और चैनल को देखें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कोशिश करूँगा कि पूरे टर्म टू की जो वीडियोज है वो पूरा एक मैं वन शॉर्ट शॉर्ट करके रिवीजन लेक्चर के थ्रू आपको दे दूँ, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। चलिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।